नगर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म पर बवाल। वकील पिता पर लगा है दुष्कर्म का आरोप। वकीलों ने फिर किया एसपी ऑफिस का घेराव। पिछले एक हफ्ते से वकीलों की हड़ताल जारी। श्री गंगानगर में मासूम बच्ची से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले पर बवाल मचा हुआ है। वकील एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। आरोपी के समर्थन में पिछले एक हफ्ते से हड़ताल कर रहे हैं। सोचिए, जिस वकील पर, जिसके कंधे पर लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, वो आखिर आरोपी के बचाव के लिए क्यों उतर रहे हैं? क्या महज इसलिए कि बच्ची से दुष्कर्म का आरोप एक वकील? बार संघ का कहना है कि वकील के ऊपर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वकील संघ का और पुलिस भी इस मामले पर सही जांच नहीं कर रही है। इसीलिए जब तक हमारे साथी वकील को बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। पुलिस ने उस अपराधी महिला का सहयोग किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह अधिवक्ता बिल्कुल निर्दोष है और उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2.5 साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी और दुष्कर्म का यह मामला गंगानगर के महिला थाने में बच्ची की ही मां ने दर्ज करवाया था। बच्ची की मां का आरोप है कि आरोपी वकील पिता बच्ची के साथ लगातार गलत हरकत कर रहा था। बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने पर मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। जब पता चला कि बच्ची के साथ छेड़खानी करने के बाद दुष्कर्म किया गया है, बच्ची की मां ने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो आरोपों से वह साफ मुकर गया, जिसके बाद महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, मासूम बच्ची की मां पर क्या गुजर रही होगी। एक तो इस मामले को दबाने के लिए रिश्तेदारों का दबाव, ऊपर से वकीलों का आरोपी के समर्थन में ही खड़ा हो जाना। एक मां के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोर्ट में अपने केस लड़ने के लिए उसे कोई वकील का सहारा नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी मुश्किल से एक वकील मिला है। वकील का भी मानना है कि बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। आरोपी तथाकथित आरोपी जो है वो खुद एक वकील है, इसलिए वकीलगण उसके फेवर में कह रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि कोई पति पत्नी का बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन अभी इस बात के ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का यह मामला पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। पुलिस अभी तक पूरे मामले की तस्वीर साफ नहीं कर पा रही है। इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से साफ बच रही है। मेरी आखिरी कोशिश यही रहेगी, हम ट्रांसपेरेंसी से न्यायपूर्वक कार्रवाई करें। अनुसंधान अधिकारी आप कहें उसको लगाने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहीं पूर्वाग्रह नहीं, किसी से भी पूर्वाग्रह नहीं। श्री गंगानगर में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में जिस तरह से वकीलों की फौज समर्थन में खड़ी हुई है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या दुष्कर्म के आरोपी का बचाव कर बार संघ क्या साबित करना चाहता है? अगर वकील निर्दोष है तो कोर्ट उसका फैसला करेगी, लेकिन मासूम बच्ची को इंसाफ तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। हरनेक सिंह, जी मीडिया।